पाकिस्तान चाइना बॉर्डर, जिसकी बुलंदी तकरीबन 17,000 किलोमीटर के लगभग है। यहाँ पर आने की ख्वाहिश तो हर कोई रखता है, लेकिन यहाँ पर पहुँचने के लिए बहुत सारी एहतियाती तदाबीर करना जरूरी है, जो बहुत सारे सयाह नहीं कर पाते। और यहाँ पहुँचने के बाद उन्हें ये एहसास होता है कि यहाँ पर पहुँचने से पहले अगर ये एहतियाती तदाबीर कर ली जाती तो बहुत बेहतर था। तो आज हम आपको इस सियासी मुकाम की सैर भी करवाएंगे और वो एहतियाती तदाबीर बताएंगे जो यहाँ पर पहुँचने से पहले अगर कर ली जाएं तो आपका जो ये सफ़र है वो बदमज़ा नहीं होगा। इस सफ़र पर जाने से पहले आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पोस्ट को अगर आपको अच्छी लगे तो आगे ज़रूर शेयर करें। शुक्रिया। जैसे ही पासुकोन क्रॉस करके आगे चलते हैं तो आगे की वादियों के नज़ारे बदलने लगते हैं। बुलंदो बाला पहाड़ गायब हो जाते हैं, लेकिन मनाजिर की खूबसूरती जारी रहती है। ऐसे में आप खरामा खरामा चलते हैं तो 2 से 3 घंटे भी आपको लग सकते हैं। ये आपकी ड्राइविंग और जोक पर मुनहसर है कि आप नज़ारों से लुत्फानंदोज होने के लिए गाड़ी रोकते हैं या फिर नहीं। जैसे ही आप खुंजराब पास पार्क की हदूद में पहुंचते हैं तो आपको हर हाल में गाड़ी को रोकना पड़ता है। यहाँ के लिए ये जरूरी है कि आपके पास आईडी कार्ड लाजमी हो। वैसे तो यहाँ पर पार्क की एंट्री ली जाती है, लेकिन सिक्योरिटी के बायस बाज औकात सरप्राइज चेकिंग भी की जाती है। निकलने के बाद ज्यादा खुशी की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आपको ऊंचे नीचे रस्तों से गुजरना है। रोड बहुत अच्छी है। आधे घंटे बाद आप दुनिया के बुलंद तरीन बॉर्डर पर मौजूद होंगे। लीजिए, ये है खुंजराब टॉप, जिसे नो मैन लैंड डिक्लेयर किया गया है। लंबे मैदानों की जगह, शाम के बाद इंसान का ठहरना नामुमकिन हो जाता है। इस मुकाम पर जाने के लिए सबसे जरूरी एहतियाती तदबीर ये है कि सांस वाले मरीज यहाँ जाने से गुरेज करें। ऑक्सीजन की कमी के बायस शुगर लेवल फौरन गिर जाता है, आप बेहोश भी हो सकते हैं। आपको चाहिए कि फौरन कुछ खा लें, हो सके तो कॉफी पीजिए और कदम आहिस्ता आहिस्ता और छोटे उठाएं। इस मुकाम पर ना ही तो कोई होटल है, ना ही कोई खाने पीने की जगह। हाँ, अलबत्ता एक छोटी सी गाड़ी जरूर खड़ी होती है, जिस पर आपको कॉफी पीने के लिए मिल जाएगी। नाज़रीन, ये पाकिस्तान का आखिरी हिस्सा है, इससे आगे चाइना है। यहाँ पर मुख्तलिफ अनवाउ इकसाम के जानवरों के साथ साथ इंसानी जानवर भी पाए जाते हैं, जो यहाँ कचरा फैलाकर इस मुकाम को गंदा कर रहे हैं। मजीद अच्छी वीडियोस के लिए ट्रैवल पाकिस्तान वेव्स के चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक और आगे जरूर शेयर करें। शुक्रिया।